सर ये हमारे प्रोड्यूसर साहब हैं दामा जी, हरीश दामा जी। सर का आदेश था, सर ने वो बोला कि हम लोग सब मिलके एक प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो हमने पूरी टीम विथ राइटर हमने टीम पूरी इकट्ठा किया। और फिर बड़ी पॉजिटिविटी सर की, हरीश सर की स्टोरी है, सर ने बड़े काफ़ी टाइम के बाद, इन्होंने काफ़ी टाइम रिसर्च किया, फिर उसके बाद हम लोगों ने फाइनल राइटर के पास बैठ के हमने ये कॉन्सेप्ट रेडी किया। और ये पॉजिटिविटी कॉन्सेप्ट है जो कि एक बहुत अच्छा सस्पेंस मर्डर मिस्ट्री फिल्म है, जो मतलब पूरी फिल्म में स्टार्ट टू एंड तक बांधे रखती है। और हरीश सर ने मतलब इतनी बेहतरीन प्रोड्यूसर होते हुए भी उन्होंने इतनी अच्छी एक्टिंग की है, अच्छा बाकायदा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। हमारे DOP साहब राजेश कनौजिया जी, इन्होंने बहुत भरपूर मतलब जो हमारी पूरी टीम का सहयोग दिया, जिससे हमें एक पॉजिटिविटी एनर्जी आई। प्रोड्यूसर भी हैं आप, निर्माता भी हैं और आर्टिस्ट भी हैं, क्या कहना, कितनी बड़ी जिम्मेदारी आपके लिए, आपके कंधों पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है फिल्म का चलना और फिल्म पहले आई और फिर चले, कितनी सर? सबसे पहले आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ मैं, जो आप हमारे सेट पे आए, और बाकी जो हमारे पवन जी है, राजू जी है, उनके होते हुए, इन दोनों के होते हुए मुझे नहीं लगता कि मेरी कोई जिम्मेदारी भी है, सारा काम वो संभाल लेते हैं। बाकी हमारे आर्टिस्ट, हमारे टेक्निस्ट सारे पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, पहले से लास्ट तक उन्होंने ऐसा सपोर्ट किया कि लगता नहीं कि हम पराए हैं, ऐसा लगता कि मैंने बहुत पिक्चर बनाई है, बल्कि मेरी पहली पिक्चर है ये, पहली पिक्चर है। तो आपके बारे में जानना चाहूँगा कुछ कि आप कलाकार के तौर पे ज़्यादा काम किए और निर्माता बनना कितना बड़ा चुनौती रहा आपके लिए, क्योंकि फिल्म का निर्माण कर रहे हैं और जो किरदार निभा रहे हैं इस फिल्म में, उसके बारे में बताइए। सब निर्माण के लिए, निर्माता के लिए तो बहुत कुछ तकलीफें आई और आगे भी आएगी, लेकिन हमारे सहयोगी जो हैं राजू जी, पवन जी, उनकी वजह से काफ़ी तकलीफें आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गई। ऐसा लगता नहीं कि मैं तकलीफ में हूँ या आऊँगा, और आसानी से बहुत अच्छी पिक्चर बनी, और पिक्चर ऐसी बनाई है क्योंकि मैं भी एक ऑडियंस की तरह पिक्चर देखा है और देखता हूँ कि ऑडियंस को क्या चाहिए, ऑडियंस कैसे बैठेगा, तो वो सब ध्यान में रखकर हमने वो स्टोरी, मैंने उनको पवन जी को बताया, उस हिसाब से उन्होंने राइटर से स्टोरी कम्प्लीट करी। तो जो किरदार निभाने उसका बताइए कि क्या किरदार है आपके इस फिल्म में? सर मैं इस पिक्चर में एक नौकर हूँ, मेरा नौकर का रोल है, एक हवेली केयर टेकर हैं जो कि पूरी हवेली इनके अंडर में है, और चार लड़के जो आते हैं फिल्म में वो एक्चुअली में पिकनिक, चार कपल्स आते हैं, पांच कपल्स, तो पूरी फिल्म में मतलब वो आते हैं और फिर वो कैसे कैसे फंस जाते हैं, पूरी फिल्म में सस्पेंस है, कॉमेडी है, मर्डर मिस्ट्री है। सर के अलावा जो कास्ट में है कोई जाना पहचाना चेहरा है उसके बारे में? हाँ सर, एक्चुअली में हमारे यहाँ जो कास्ट है, रूपा जी हैं और चंदन राणे जी हैं, सब न्यू कास्ट है, लेकिन हमारा सब्जेक्ट इतना मतलब भरा हुआ सब्जेक्ट है कि जो कि मतलब ऑडियंस को मतलब जोड़ के रखता है, पूरी सस्पेंस से पूरी फिल्म में, कहीं भी मतलब ये नहीं है कि हमें फिल्म के खाली बन लगता है। कोई मैसेज भी देता सब्जेक्ट क्या? हाँ, फिल्म का मैसेज है कि देखिए कभी भी किसी के ऊपर आंख बंद करके भरोसा नहीं किया जा सकता। अच्छा। कभी भी फिल्म में आप ये दिखाया है कि आप जो किसी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा बिलीव करते हो तो कभी ना कभी आपको धोखा भी खाया जा, इसीलिए कभी भी किसी के साथ उतना ही भरोसा करो जितना कि एक जायज हो। गीतकार हैं हमारे फिल्म के जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं वो हर्ष शर्मा जी हैं, जो उन्होंने काफ़ी फिल्में की है, AR रहमान साहब के अजय सुसेट, उन्होंने उनके साथ काफ़ी किया है, फिर राजीव मोना जी हैं, और रानी हजारिका जी का पार्टी सॉन्ग है, खुशबू जैन जी का आइटम सॉन्ग है, विनोद राठौर साहब हैं, मतलब सारे गीत जो हैं सब भरे हुए हैं, सारे मार्केट सिंगर्स के साथ हुए हैं। तो शूटिंग शेड्यूल आगे कहाँ होने वाला है इसके अलावा? सर हम लोगों ने पूरी फिल्म की शूटिंग शेड्यूल भोपाल में कंप्लीट किया है। अच्छा। और हम लोग मतलब फिल्म में आज हमारा ये फाइनल है, लास्ट है। अच्छा। शुरू से जुड़ा हूँ, फिल्म हम लोग ने पूरा भोपाल में शूट किया है और ये फिल्म बहुत अच्छी है, पूरा सस्पेंस है, और अगर हम लोग इसमें कुछ तो बताना नहीं चाहते स्टोरी का क्या है क्या नहीं, उसके लिए पब्लिक आके देखे तो ज़्यादा अच्छा है, इनका क्या रोल है, बाकी क्या है। तो लास्ट जो कब तक सर पर्दे पर आने की उम्मीद है फिल्म? सर पर्दे पर तो 5 अप्रैल तक, 5 अप्रैल तक है कोशिश पूरी, जल्द से जल्द। किरदार तो मेरा बहुत ही अच्छा है, एज अ लीड रोल कर रही हूँ, और जो फिल्म का टाइटल है बदतमीज़ लव, इसमें जो घूम फिर के किरदार आ रहे हैं कुछ है बदतमीजियाँ हैं इसमें, मैं तभी शौक नहीं करूँगी, नहीं तो कोई मतलब नहीं रह जाएगा देखने के लिए।
और हमारे धामा जी जो प्रोड्यूसर हैं इसमें एक बहुत मुख्य भूमिका निभा रहे हैं, और हमारे हीरो जी हैं चंदन जी हैं और जोया जी हैं इसमें, वो भी लीड कर रही हैं और मोहन जी लीड कर रहे हैं। बहुत सारे कैरेक्टर इसमें, 5 कपल्स हैं इसमें और बहुत अच्छी फिल्म है। और ये देखिए बहुत पारिवारिक फिल्म है, एक कुछ अच्छा सोचा है धामा जी इस फिल्म को लेके, एक उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है, ये सपना था इनका ये प्रोजेक्ट करने का। और इसमें मुझे इन्होंने कास्ट किया, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। पवन जी डायरेक्टर हैं, उन्होंने मुझे कास्ट किया, कनौजिया जी ने मुझे सेलेक्ट किया था, इसके लिए मुझे कॉल आया था, तो मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी थी, मुझे अच्छा लगा तो मैंने हाँ। तो काफ़ी सारी भोजपुरी फिल्म में काम करना चाहेंगे। किरदार मेरा इसमें एज अ लीड रोल है और इसमें मैं एक प्रिया करेक्टर का प्ले कर रही हूँ, और धामा जी हमारे प्रोड्यूसर हैं और चंदन जी हुए हैं, जोया जी जैसे बताया, और रोहन जी। इसमें 5 कपल है जो एक टूर के लिए निकलता है, कुछ घटनाएं होती हैं, कुछ घटित होता है। सो इसमें जो टाइटल है बदतमीज लव, उसमें ले दे के एक इसमें कुछ है जिससे टाइटल रखा गया है बदतमीज लव, लड़के हैं कुछ बदतमीजी हाँ, करते हैं पब्लिकों को जो काफ़ी पसंद आए, पसंद आएगी हाँ। और हमारे डायरेक्टर हैं पवन सर, और आप लोगों ने मुझे कास्ट किया, बहुत अच्छी स्टोरी है और पारिवारिक फिल्म है, साफ सुथरी फिल्म है, ये चीज़ मुझे अच्छा लगा और मैं साफ सुथरी फिल्में करती हूँ। तो आज लास्ट शेड्यूल है, तो कैसा अनुभव था काम करने के दौरान इस फिल्म में? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो आप लोग यहाँ पे आए और हम लोग को मौका मिला। इस फिल्म को लेकर हम लोग बहुत उत्साहित हैं और बहुत अच्छा लगा इसमें काम करके, और मैं अपने डायरेक्टर पवन जी और हमारे दामा सर प्रोड्यूसर और डीओपी राजेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो काफ़ी सपोर्ट किए और काफ़ी हम लोग मेहनत से काम किए, और हमारे सारे लोग रोहन जी और जोया और हमारी हीरोइन रूपा जी, सब लोग एक बहुत अच्छा मिलके हम लोग ने काम किया और काफ़ी मेहनत के साथ काम किया। और इस फिल्म में जो भी सारी चीज़ें हैं वो पब्लिक जब देखेगी उसे बहुत अच्छा लगेगा और एक मैसेज जाएगा कि आज के डेट में जो घटना है, जिस तरह से सारी चीज़ें हो रही है, तो उस पर थोड़ा सा उनके पेरेंट्स, तो जब पब्लिक जाएगी मूवी देखने तो उनको बहुत ही अच्छा लगेगा। बाकी मूवी है, इसके अंदर कोई गंदे सीन्स नहीं है, बेसिकली क्लीन, बहुत क्लीन मूवी है। और जो हमारे दामा जी हैं, जो हमारे प्रोड्यूसर हैं, बहुत अच्छे हैं, उन्होंने बहुत हमें सपोर्ट किया, हमें इन्हें अच्छा मौका दिया इस मूवी के अंदर काम करने का, और मेरा ये फर्स्ट प्रोजेक्ट है एज अ मूवी के अंदर, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने बहुत अच्छे से काम किया है। और जो ये मूवी है, ये बेसिकली एक पारिवारिक मूवी है, इसको फैमिली भी देख सकती है, ये नहीं कि उसमें ज़्यादा रोमांटिक सीन है, इसमें हंसी मजाक भी है और रोमांस भी है, बहुत ही एक अच्छी मूवी है, तो आप सब इसको ज़रूर देखिएगा, बहुत अच्छी मूवी है। मैं पूरी मूवी में सब लोग को हंसा रहा हूँ सबसे पहली बात, और मेरा कैरेक्टर है विकी नाम का, और फिल्म बहुत ही अच्छी है, कमाल की फिल्म है, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, जैसा इन्होंने रूपा जी ने कहा बदतमीज लव है, हम लोग बदतमीजियाँ कर रहे हैं और इंटरेस्टिंग है, आप लोग को बहुत मज़ा आएगा और बहुत ही पूरी टीम बहुत ही कॉपरेटिव, बहुत मज़ा आया। थैंक यू डामा सर, हमारे डायरेक्टर पवन सर और DOP राजू दादा, बहुत अच्छा काम लगा और आई होप आप लोग को ये मूवी पसंद आएगी और बहुत सारे चीज़ें सीखने मिली, मतलब मेरी तीसरी फिल्म है तो बहुत कुछ सीखने मिला और एक कैरेक्टर को जीने का मज़ा ही कुछ और होता है जब आप कॉमेडी कर रहे हैं। और ऐसी चीज़ें हैं कि मेरे साथ क्या होता है कि मेरी बातें मेरी गर्लफ्रेंड पूरी करती है, मैं आधा छोड़ जाता हूँ वो पूरी करती है, और पूरी जर्नी बहुत ही कमाल वो सारी चीज़ें जब... और बहुत सारे पंचेस हैं जो आप लोग जब देखोगे तो बहुत मज़ा आएगा और पूरी टीम ने बहुत अच्छे से काम किया, आई होप आप लोगों को पसंद आए। बेसिकली कॉमेडी के अंदर बहुत अच्छी जान इन्होंने डाली हमारी मूवी के अंदर, बिकॉज बहुत कॉमेडी कर रहे हैं। मिली थी तो उसमें कुछ था जो मैंने इनपुट डाले, जब सर ने कहा करोगे आप, मैंने कहा ठीक है करूँगा, पढ़ा तो मैंने कहा लाइन्स ही नहीं, मैंने कहा ऐसे नहीं, मैंने बहुत से इम्प्रोवाइज़ किए, बहुत सारे पंचेस डाले और कोशिश की कि वो सारे चीज़ें हमारे डायरेक्टर के थ्रू इन्होंने किया सर, और बहुत कॉपरेट इम्प्रोवाइज उन्होंने बताया, वो उस तरह से करते गए, तो डायरेक्टर सर का बहुत कोऑपरेटिव हम लोग के, मतलब कि आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो सारी चीज़ें। सबसे अच्छी चीज़ थी कि हमने खुला छोड़ा, आपको जो करना करो, जो नहीं, जो सही नहीं है उसे कट कर दो,
बहुत इंटरेस्टिंग है। तो ये बताइए, इतने लोगों को काम दिया, नए लोगों को क्या कहना चाहेंगे, कितनी उत्साहित है इस बात को लेकर, इस प्रोजेक्ट को लेकर? काफ़ी सारे नए लोग हैं इस प्रोजेक्ट में आपके। हाँ सर, तो इस पिक्चर के लिए मैंने जो स्टोरी चुना सब्जेक्ट, तो मुझे लगा कि सस्पेंस स्टोरी है, तो उसमें नए कपल की मुझे ज़रूरत थी। उसके अंदर मुझे नए कपल ही काम कर सकते हैं। सस्पेंस है, सस्पेंस में कोई अमिताभ की ज़रूरत नहीं है, वो बड़े स्टार है, वहाँ तक हम नहीं है, पहुँचेंगे। और अभी कॉन्सेप्ट चल रहा है। रूपा जी क्या नाम लगेगा, कुछ रूपा जी को क्लियर कास्ट किया है, ये तो पहले भी काम कर चुकी हैं बहुत सर। रूपा जी के बारे में क्या कहूँ मैं, इन्होंने इतना कोऑपरेट किया है हमको कि लगता ही नहीं है कि हम नए हैं ये पुराने हैं, ऐसा लगता कि दोनों पुराने हैं दोनों नए हैं, एक घर जैसा रिश्ता, भाई जैसा, कि लगता ही नहीं कि वो हीरो नहीं है। जब ये हमारा खत्म होता था तो ऐसा लगता था कि हम फैमिली की तरह हम लोग ने काम किया इसमें, हंसना ना मजा करना, मस्ती करना। हो गई थी पूरी यूनिट, हम लोग की यूनिट नहीं थी बेसिकली, ये नहीं लगा कि हम एक मूवी कर रहे हैं, लगा हम टूर पे आए हुए हैं। अरे बहुत अच्छे से एंजॉय करते हुए काम किया, और काम के प्रति सबका मेहनत लगन बहुत ज्यादा था, कोऑर्डिनेशन बहुत कमाल था। हां टाइमिंग नहीं था कि 9 बजे 6 बजे खत्म, 9 से रात के 12 होता था, तो कोई आर्टिस्ट नहीं बोलता था भाई हम थक गए हैं, क्योंकि सबके अंदर एक जुनून था मतलब काम करने का। तो ये नहीं लगता था कि मतलब हमको नहीं नहीं ठीक है करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, नहीं करना है बस काम करना।